अब करो ना फटाफट ऐसे ऐसे करो। अब बोलो चूची बाबा ऐसे ठीक कर दो, यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे। हाँ साड़ी ठीक कर लो ना अपनी तो। हाँ बोलो चूची बाबा इसे ठीक कर दो, आंख बंद करके ऐसे हाथ ऊपर करो, बोलो चूची बाबा इसे ठीक कर दो। देखो धूप भी आ रही है, देखो आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा। अब हाथ ऊपर करो, आंख बंद करो और हाथ ऊपर करो, एकदम आपको बाबा को टच करना है, हाथ ऊपर करो ऐसे, चूची बाबा इसे ठीक कर दो, चूची बाबा इसे ठीक कर दो, बोलो चूची बाबा इसे ठीक कर दो, चूची बाबा इसे ठीक कर दो। क्या मतलब क्या चाहिए ये बोला ना, करने को तो कर रही थी, क्या हरकत है मतलब? मैं कुछ नहीं किया कसम से। अच्छा वो मच्छर काटा आपको? मच्छर काटा मेरे को? हाँ। अच्छा हाँ। चूतिया साला पता नहीं कहाँ से आया मेरे को बेवकूफ बना रहा है, चल जा रही इधर से, मेरा दिमाग मत खराब कर। दो मिनट सुन लो ना। क्या है बोल? तो हाय कैसे हो? सब बढ़िया बेटो, लॉकडाउन है कहीं बाहर तो मिल नहीं सकते, तो मैं बोला नियर बाय गार्डन में ही मिल लेते हैं। बार बार फोन कर रहे थे कि मिलना है मिलना है मिलना है, बोला ऐसा क्या हो गया मिलना है, तो बोल रहे थे काम है, बोला ऐसा कौन सा काम हो गया, स्कूल टाइम से कोई काम नहीं आया, मैं आज कौन सा काम आने लगा मैं। हाँ यार तुम तो जानते हो काम के लिए हम कितना बिजी हो जाते हैं। तो वो तो है, वो भी तुम भी तो इतने बिजी, तो इतने पैसे कमा रहे हो कहाँ रख रहे हो? अरे पैसा तो अभी कुछ भी नहीं कमा रही मैं। क्या हुआ? वही यार घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है बस। तो घर पे तो हर किसी का प्रॉब्लम है, इतना क्या? फिर भी यार तुम नहीं समझ सकते मैं किस पोजीशन से गुजर रही हूँ, मैं बहुत गंदी पोजीशन में। और अभी देखो कैसा है, कैसा है लॉकडाउन है तो पैसा ना हर किसी को पैसे का इशू गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे पैसे की इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें तो पता है कि मेरा छोटा भाई है जिसको पढ़ाना लिखाना है, और बड़ी दीदी है उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है, घर का खर्चा उन लोगों का खर्चा। तो तुम अर्न तो करते हो ना, कमाते तो, तुम भी तो जॉब करते हो। लेकिन अभी क्या करूँ, तुम्हें पता है लॉकडाउन की वजह से इतनी सैलरी नहीं मिल रही है, और जो सैलरी आ रही है वो अप डाउन आने जाने सारे उसमें ही चला जाता है, तो कुछ भी नहीं बचता है साइड में, और मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है तो उनका दवा। ठीक है यार, होता है देखो ऊपर नीचे, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स होते रहते, इतना नहीं सोचते सबके बारे में। नहीं यार पर फिर भी मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, और तुम नहीं समझ सकते मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब कोई गलत डायरेक्शन में मत जाओ, मैं तो यही बोलूँगा कि नहीं जी तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन गलत डायरेक्शन में मत जाओ, मैं ये बोलूँ। क्या कर रहे हो? मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे। यार तुम्हें मदद ऐसे भी करूँगा, तुम स्कूल दोस्त हो मेरी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है यार। तुमको मालूम है मैं क्या सोचा था? मैं तुम्हें मालूम है ना मैं वीडियोस बनाता हूँ, प्रैंक करता हूँ मैं, देखा है मैंने। तो मैं प्रैंक में सोचा तुम आओगी ना तो मैं तुम्हारे पर एक अच्छा सा प्रैंक शूट करूंगा, लेकिन तुम ये सब बता रहे हो। राज एक काम कर दे, कैमरा कट कर दे भाई। राज कैमरा चालू रहने दो, देखो सबको पता चलनी चाहिए कि असलियत क्या है, कि दुनिया में क्या हो रहा है। अरे लेकिन तुम्हारा इसमें फेस दिखेगा सब चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं यार। लेकिन मैं सोचा था तुम पे अच्छे से मैं प्रैंक करूंगा यार, लेकिन तुम ये सब बता रही हो। देखो इशू जो है मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है पैसे की। देखो मेरे पास थोड़े बहुत अभी कैश होंगे, वो आप ले लो, पैसे का टेंशन मत लो यार, स्कूल टाइम के दोस्त तो तुम मेरे पूरे ले लो, और बाकी अगर और भी ज़रूरत पड़ेगा तो मेरे से ले लो, लेकिन ये सब मत करो। ओके ले लो, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। यार मैं हेल्प करूंगा ही, तुम मेरे स्कूल टाइम के दोस्त हो यार, लेकिन ये सब मतलब मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारे पीछे से कुछ भी बोले, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हो। अरे यार लोगों का काम है बोलना, मैं वो सब नहीं सुनता, जो मुझे पर्सनली जानता है वो मुझसे प्यार करता है, खत्म बात। मेरे को सबका प्यार नहीं चाहिए, मैं जिसको नहीं जानता मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे जानते हो, मैं जानता हूँ तुमको, तो तुम हाँ तुम्हारे पास आऊँगी तो तुम मेरी मदद ज़रूर करो। तो अभी मैं ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ फिर। नहीं नहीं रहने दो, सबको पता चलना चाहिए। क्यों फिर फेस तुम्हारा छुपा दूँ इसमें? नहीं नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं। फिर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ या डिलीट कर दूँ? अपलोड क्यों डिलीट? क्योंकि फिर इसमें तुम्हारा फेस दिख रहा है और फिर सब पहचान जाएंगे। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर फेस हाइड कर दूँ कुछ तो? हाँ, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सारी दुनिया को पता चलना चाहिए यार ये सब बातें कि मतलब पीछे क्या हो रहा है यार। लेकिन फिर भी यार समझ नहीं रहा यार।
मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, मतलब ऐसे कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है अभी, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं यही सोच के तुम्हारे पास आई थी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त, मेरी जरूर मदद करेगा। हेल्प तो कर ही दूंगा यार, इसका कोई टेंशन नहीं है ऐसा कुछ। ओके पहन लो ये, पकड़ना यार। ऐसा ये सब करने की तुमको जरूरत ही नहीं है, मालूम है? पहली चीज़ तो ये है यार, मतलब मैं तुम्हें स्टार्टिंग से जानता हूँ यार, तुमको भी मालूम है कि तुम मेरे को अगर फ़ोन पे भी बोल देती ना ये सब चीज़ें, तो मैं ये सब चीज़ें मैं तुमको फ़ोन पे कैसे बताती? ठीक है ना यार, अब बचपन के दोस्त तो अगर फ़ोन पे भी बता देते तो भी मैं आपकी मदद कर देता। अभी तुम यहाँ पे आके ऐसा, मतलब तुमको पता है कि मैं तुमको एज अ स्टार्टिंग से एज अ मतलब दोस्त, अच्छा दोस्त मानता हूँ कि तुम कपड़े उपड़े निकाल दे, तुमको लगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, और ना ही मैं ऐसा कुछ काम है। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हो, तो फिर ये लो वीडियो, फिर अपलोड कर दो ये, मैं पक्का ऐसे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपलोड कर सकते हो। जाओ फिर, बाय। मैं निकलती, बाय। यार क्या बोलूँ यार, मतलब मैं सोचा था वीडियो प्रैंक शूट करने यार, लेकिन ये कुछ तो और ही हो गया। परमिशन तो ले ली अपलोड करने की, देखते हैं अभी अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो बाय यार, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, बाय। चलो।